नमस्कार। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत का भी विशेष पुण्य माना गया है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है, जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता महादेव अर्थात शिवजी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त एवं शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग व्रत उपवास रखते हैं और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्यरात्रि को भगवान शंकर का अवतरण हुआ था। वही यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शिव के विवाह से भी जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद को सौभाग्यशाली मानती है। तारक मेहता भारतीय लेखक थे। उन्होंने कई प्रकार के हास्य कहानी आदि का गुजराती में अनुवाद भी किया था। तारक मेहता का साप्ताहिक लेख पहली बार मार्च 1971 में चित्रलेखा नामक एक साप्ताहिक अखबार में आया था। वे दुनिया ने उंधा चश्मा नामक गुजराती भाषा में एक लेख लिखने के कारण जाने जाते हैं। 2008 में आसित कुमार मोदी ने इस कहानी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक बनाया, जो सब टीवी पर प्रसारित होता है। तारक मेहता को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2017 में उनका निधन हुआ था। एन कुंजारानी देवी का जन्म 1 मार्च 1968 को इम्फाल भारत में हुआ था। इनका पूरा नाम नामिका रप्पम कुंजारानी देवी है। वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है जिन्होंने जिस प्रतियोगिता में भाग लिया है उसमें पदक अवश्य जीता है। 1995 में नॉर्वे में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में वह भारत की प्रथम स्वर्ण पदक विजेता बनी थी और उन्हें उस वर्ष विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। यद्यपि बाद में वह फिसल कर तीसरे स्थान पर चली गई थी। उनकी खेलों के प्रति रुचि बचपन में ही जागृत हो गई थी। जब वह इम्फाल के सिंदम शिशांग रेजिडेंट हाई स्कूल में 1978 में पढ़ती थी, उन्होंने इम्फाल के महाराजा बोधचंद्र कॉलेज से स्नातक पूरा किया। कुंजारानी यदि भारोत्तोलक न होती तो हॉकी या फुटबॉल की खिलाड़ी अवश्य होती। वह बचपन में इन दोनों ही खेलों को खेलती थी, लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों तो टीम खेल है और यदि इनके बजाय वह व्यक्तिगत स्पर्धा वाले खेल खेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्पर्धा में आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता का मुकाम हासिल कर सकते हैं। अतः उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना क्षेत्र चुना, लेकिन जब वेट लिफ्टिंग से उन्होंने नाता जोड़ा तो उन्हें अपने रिश्तेदारों और इम्फाल के अड़ोसी पड़ोसियों से कटु टिप्पणियां सुनने को मिली। लोगों ने कहा कि लड़की है और लड़कों का खेल खेलती है, ये तो मर जाएगी। ऐसी टिप्पणी सुनकर कुंजारानी का मन और अधिक कड़ी मेहनत करने के लिए उत्साहित होता था। उनके अंदर अपने देश को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने की प्रेरणा और भी जीवंत होती थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल होने के पश्चात कुंजारानी ने पुलिस चैंपियनशिप में भी जोर आजमाइश की। वह असिस्टेंट कमांडेंट पद पर कार्यरत है। 1996 से 1998 तक उन्होंने भारतीय पुलिस टीम का नेतृत्व किया। भारतीय महिला खिलाड़ी एन कुंजरानी देवी ने भारोत्तोलन में देश का गौरव बढ़ाया है। अगस्त 2022 के मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कुंजरानी भारत की दिग्गज भारोत्तोलक के रूप में सुर्खियों में छाई रही, जब उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। भारत की इस लोहा महिला की आदर्श खिलाड़ी एथलीट पीटी उषा रही। कुंजरानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 60 से अधिक पदक प्राप्त कर चुकी है। आज के दिन 1968 में उनका जन्म हुआ था।
तारक मेहता का जन्म 26 दिसंबर 1929 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उनकी पहली पत्नी का नाम इल्ला था। तारक मेहता की पहली पत्नी से एक बेटी है जिनका नाम ईशानी है। उनकी बेटी ईशानी अमेरिका में रहती है, जिसके दो बच्चे कुशान और शैली है। तारक मेहता ने 1945 में मैट्रिक पास किया और मुंबई के भवंस कॉलेज से 1998 में एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने कई प्रकार की हास्य कहानी आदि का गुजराती में अनुवाद किया। तारक मेहता 1958 में गुजराती नाट्य मंडल से जुड़े। 1959 से 60 में वे दैनिक प्रजातंत्र में डिप्टी एडिटर थे। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक अखबार में काम नहीं किया और कुछ समय बाद सूचना और प्रसारण विभाग से जुड़ गए थे। 1960 से 1986 तक तारक मेहता भारत सरकार की सूचना और प्रसारण विभाग में कंटेंट राइटर रहे। बाद में वही पर अधिकारी बन गए। तारक मेहता का साप्ताहिक लेख पहली बार मार्च 1971 में चित्रलेखा नामक एक साप्ताहिक अखबार में आया। 1971 में इन्होंने 80 पुस्तकों को प्रकाशित किया, जिसमें 3 पुस्तक उनके दिव्य भास्कर नामक अखबार में छापे जाने वाले लेख पर आधारित थे। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।